हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडियर चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, जब मैं आपको बता रहा था सॉफ्टवेयर टेक्निकल रिव्यू, ये चौथा है हम लोगों का पेयर प्रोग्रामिंग। भाई चलो, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे इफेक्टिव चीज़ बताने वाला हूँ। अब पेयर प्रोग्रामिंग का आप सॉफ्टवेयर में तो फ़ायदा ले ही सकते हैं, और वैसे आप डेली लाइफ के प्रोग्रामिंग में भी फ़ायदा ले सकते हैं। अब भाई, पेयर प्रोग्रामिंग होती क्या है, मान लीजिए। चलिए, माई पेयर प्रोग्रामिंग से इतना बड़ा फायदा होने वाला है ना, आप प्रोग्रामिंग में बोरिंग फील करते हैं ना, तो बोरिंग नहीं फील करेंगे, मजे से इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग है क्या, आप पेयर बता, आप समझते हैं डेली लाइफ से। भाई हम लोग जब ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में पेयर बनाते हैं, 10 या 7 दोस्त या 8 लोग या कितने लोग बिगड़े जाते हैं और बातें करते हैं, वैसे ही पेयर प्रोग्रामिंग होती है। पेयर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक हो सकता है एक आपका प्रोग्रामिंग कर रहा हो, दूसरा उसी टाइम पे खड़े देख रहा हो सकता है। पेयर प्रोग्रामिंग में एक बंदा दूसरी जगह पे बैठा हो, एक बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा हो, वो प्रोग्रामिंग अपनी करके उसको भेज दे, या आसपास दो बैठे दोनों काम करें, एक दूसरे को चेक करें, ये पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। चलिए एक एक चीज को समझते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। पेयर प्रोग्रामिंग इज एन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको डेवलप किया था इसने, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने इसको डेवलप किया था। पेयर प्रोग्रामिंग को क्यों डेवलप किया था, इसीलिए मैंने बताया इफेक्टिव वे करना था आपको सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए। इन विच टू प्रोग्रामर वर्क टुगेदर आर वन वर्क स्टेशन, आपका जो दो प्रोग्रामर है एक वर्क स्टेशन में वर्क करेंगे। एट वन ड्राइवर, एक वर्क ड्राइवर में, इन अदर ऑब्जर्वर, एक वन ड्राइवर मतलब एक राइट करेगा कोड, और इन अदर ऑब्जर्वर इन और नेविगेटर मतलब आपके प्रोग्रामर, दो प्रोग्राम एक साथ काम करेंगे, एक वर्क स्टेशन में, एक आपको वो काम कोडिंग लिखेगा और दूसरा उसको चेक करेगा। पेयर प्रोग्रामिंग मेक इफेक्टिव प्रोग्रामिंग, आपकी पेयर प्रोग्रामिंग इफेक्टिव प्रोग्रामिंग बनती है। पेयर प्रोग्रामिंग इंक्रीज सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी, आपकी सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर देती है। एट 2019 ऑनलाइन सर्वे पेयर प्रोग्रामिंग 96% सेटिस्फाइड पीपल, पेयर प्रोग्रामिंग से 96% लोग यहाँ से सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, लोग चाहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग करना। समझ रहे हैं ना, पेयर प्रोग्रामिंग समझ में आ गया हूँ। अब एडवांटेज क्या है और इसके नुकसान क्या है, एडवांटेज जानते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, भाई बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, उसी टाइम पे आपके कोर्ट में जो गलतियां सुधर रही हैं आपको बाद में सुधारना, ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो बात सही है। फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, आपकी मतलब बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, और कोलैबोरेशन भी दो लोगों के बीच में यदि कर रहे हैं पेयर प्रोग्रामिंग, 7-8 लोग, तो यहाँ पर नेचर का भी बहुत अच्छा बन रहा है, ह्यूमन बिहेवियर भी मिल रहा है, तो कोलैबोरेशन बहुत तगड़ा हो रहा है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है, इट टाई अप टू प्रोग्रामिंग, दो प्रोग्रामिंग इसमें लड़ भी सकते हैं, क्योंकि किसी के थिंकिंग कुछ और होती है, किसी की थिंकिंग कुछ और, उसको वो लगता है सही है, उसको लगता है वो गलत है, तो इसमें लड़ाई भी हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.